कांग्रेस ने चाले चली और गठबंधन का खेल शुरू। अब रण के लिए पूरी तैयारी। राजस्थान के उपचुनाव का ड्रामा, राजनीतिक मंजर में नई पारी खेलने को तैयार है। राजस्थान में उपचुनाव का रण सज चुका है, जहां कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी सियासी चढ़ाई को सीमाओं तक धुंधला कर दिया है। इस बार सिर्फ भूख है तो सीटों पाने की, लेकिन इस बार प्रतिष्ठाओं का सवाल भी कांग्रेस और बीजेपी के साथ साथ अन्य क्षेत्रीय दलों में भी लगा हुआ है। क्या कुछ कहता है राजस्थान का पूरा सियासी खेल, आइए हम आपको इस रिपोर्ट में समझाते हैं। राजस्थान में कांग्रेस ने बुधवार को ही अपने प्रभारियों की सेना राजस्थान में तैनात कर दी थी। दौसा में रफीक खान और उनकी टीम तैयार है, तो वहीं झुंझुनू में हुकुम अली ने कमर कस ली है। रामगढ़ पर धर्मेंद्र राठौड़ की कमान, माना जा रहा है कि राजनीति के युधिष्ठर मैदान में उतर चुके हों। देवली उमियारा सचिन पायलट का किला कहा जाता है, और यहां पर भी बाड़मेर से आए उमेदाराम बेनीवाल को चुनावी प्रभारी बना दिया गया है। सवाल उठता है कि क्या यह सिर्फ चुनावी रणनीति है या फिर कांग्रेस के अंदरूनी संघर्षों का संकेत है। दूसरी तरफ हनुमान बेनीवाल की खींवसर सीट, जिसे अब कांग्रेस जीतना चाहती है, लेकिन सवाल ये है कि क्या जनता इस बार किसी प्रभारी की रणनीति से बहकाने में आएगी या नहीं, या फिर ये चुनाव सिर्फ वोट बटोरने का तर्क बनने जा रहा है। हनुमान बेनीवाल कांग्रेस को साफ अल्टीमेटम दे चुके हैं, जहां गठबंधन तभी होगा जब कांग्रेस खींवसर और देवली उनियारा सीट हनुमान बेनीवाल को देगी। मतलब पावर की भूख का खेल कोई ना कोई रुझान के पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन कहा जा रहा है कि ये खेल इस बार दबाव की राजनीति का भी सबक बनकर तमाम पार्टियों के लिए बनकर सबके सामने उभरने वाला है। अगर कांग्रेस के साथ अलायंस नहीं होता हमारा, एक बार बात करेंगे हम, एक आध दिन के अंदर हो जाएगा, तो हम कम से कम 3-4 सीट पर राजस्थान में लड़ेंगे, फिर झुंझुनू देवली और एक आध जगह और भी हम लड़ेंगे राजस्थान में। तो वहीं बीजेपी के सांसद राजकुमार रौत भी मैदान में अपनी चाले चल रहे हैं। 3 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, जिनमें 84 सलुम्बर और दौसा पर राजकुमार रौत की पार्टी बीजेपी की नजरें टिकी है उनकी गठबंधन के लिए। लेकिन सवाल अभी तक भी टलता हुआ राजस्थान में नजर आ रहा है, गठबंधन होगा या नहीं, ये अभी भी राजनीतिक सस्पेंस के पीछे छुपा हुआ है। जब तक हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी और हमारी कोर कमेटी तय करेगी, और संभावना है कि वो जब आचार संहिता लगेगी इसके बाद इसकी घोषणा 100% लगभग अभी तक की जो सिचुएशन है, हालांकि हमारी कोर कमेटी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी तय करेगी, लेकिन संभवत है कि वो हम लोग स्वतंत्र ही चुनाव लड़ेंगे। राजनीति में ये उपचुनाव महज सीटों की जंग नहीं, बल्कि कुर्सी की तिजारत का नया अध्याय भी होगा। 13 नवंबर को मतदाता फैसला करेंगे, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या ये लोकतंत्र के नाम पर खेल जिस तरह से खेला गया है, क्या और भी राजस्थान में बड़ा तमाशा होगा या नहीं। राजस्थान का भविष्य इस उपचुनाव से तय होगा, लेकिन जनता अपना नायक चुनेगी या फिर सिर्फ एक राजनीतिक खेल का मोहरा बनेगी, तो क्या राजस्थान में किस तरह से समीकरण बदलेंगे, ये देखना बिल्कुल दिलचस्प होगा। क्योंकि राजस्थान का ये उपचुनाव सिर्फ सियासी ड्रामा नहीं, बल्कि सत्ता के लालच का, गठबंधन की गाथा का नया अध्याय भी बनकर सबके सामने आने वाला है। राजधानी जयपुर से राहुल जांगिड़ के साथ फैक्ट इंडिया ब्यूरो। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।